अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने इस ठंड के मौसम में अमेठी की सियासत को गर्मा दिया है। वर्तिका ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और उनके निजी सचिव समेत 3 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। वर्तिका का आरोप है कि केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड की गई। सूत्रों की माने तो वर्तिका के वकील ने कोर्ट में अश्लील चैटिंग के प्रमाण भी जमा किए हैं। पूरा मामला एमपी एमएलए कोर्ट में फाइल हुआ है और कोर्ट ने 2 जनवरी 2021 को मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की है। जानकारी के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका का आरोप है कि स्मृति ईरानी की शह पर उनके करीबियों ने केंद्रीय महिला आयोग के सदस्य पद का फर्जी लेटर जारी कर दिया। पहले बड़ी बड़ी बातें कर अंतर्राष्ट्रीय शूटर को गुमराह किया गया, फिर पद पर बिठाने का 1 करोड़ रुपए रेट बताकर वर्तिका की अच्छी प्रोफाइल होने की बात कहकर 25 लाख रुपए की डिमांड की गई। यही नहीं, वर्तिका का आरोप है कि स्मृति के करीबी ने वर्तिका से सोशल साइट पर लूज टॉक और रुपए की डिमांड की बात का विरोध कर वर्तिका ने भ्रष्टाचार का खेल उजागर करने की चेतावनी भी दी। इससे बौखला कर स्मृति ईरानी के करीबी और सह आरोपी विजय गुप्ता ने मुसाफिर खाना थाने में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। वर्तिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ, राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ और मुझे केंद्रीय महिला आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए माननीय स्मृति ईरानी जी व उनके निजी सचिव विजय गुप्ता जी और साथ में एक बीजेपी के कार्यकर्ता जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश सिंह, अयोध्या से हैं, इन लोगों ने मेरे पास खुद से अप्रोच किया, कॉल किया और मेरी नियुक्ति हो गई। उसके बाद मुझसे पैसे की डिमांड की गई। जब मैंने उस पर विरोध किया कि मैं पैसे नहीं दूंगी तो उसके बाद विजय गुप्ता जी ने मुझे बोला कि आपको इस पद से हटाना पड़ेगा। इस विषय में माननीय स्मृति ईरानी जी से भी मैंने मुलाकात किया लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप पैसे ले लीजिए और अभी चली जाइए। तो मैंने मैम से कहा कि जब मैंने आपको पैसे नहीं दिए हैं तो मैं आपसे पैसे क्यों ले लूँ। तो मेरी सर लड़ाई जो है वो सिर्फ इसलिए है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और जो लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ इस तरीके की चीज़ें आती हैं भ्रष्टाचार में, ये चीज़ें इन लोगों ने फ्रॉड किया है मेरे साथ। कितने पैसे की डिमांड की गई है सर? 25 लाख की। और मैंने सारी रिकॉर्डिंग और सारे प्रूफ सारे प्रमाण मैंने कोर्ट में दे दिया है सारी चीज़ें और थाने में भी मैंने सबमिट करा दिया है सर। किस पद के लिए ऐसी डिमांड की गई थी? सर केंद्रीय महिला आयोग में सदस्य पद के लिए नियुक्ति के लिए सर मैंने किया है, मैंने सब प्रूफ के साथ शिकायत किया है, FIR दर्ज करने के लिए किया है, अभी तक उस पर कोई आदेश नहीं आया है, इसी वजह से हम कोर्ट में आए। सर मेरे घर पे पुलिस भेजी गई थी और पुलिस वालों ने बोला कि आप ट्वीट, मेरा ट्वीट काफी हाईलाइटेड हुआ तो बोले आप ट्वीट वापस कर लीजिए और मेरे घर वालों को प्रेशर डाला, बोले कि आप जो है इसको वापस कर लीजिए वरना हम लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, आपको गलत फर्जी तरीके से फंसा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी क्योंकि मैं सही हूँ और मुझे पता है कि मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। वर्तिका के मुताबिक जिम्मेदार अफसरों के जरिए कई बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। वर्तिका के वकील रोहित त्रिपाठी ने कोर्ट में वर्तिका की तरफ से अपना तर्क रखा। सूत्रों के मुताबिक वर्तिका के वकील ने कोर्ट में पीड़िता के साथ की गई अश्लील चैट और उसे भेजे गए मैसेज और वीडियो के कई एविडेंस भी उपलब्ध कराए हैं। आज वर्तिका जी के मामले में एक एप्लीकेशन दाखिल करके जो है विनती किया गया कि माननीय स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता, डॉक्टर रजनीश सिंह जो कि बीजेपी के पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने चीटिंग करके फोर्स डॉक्यूमेंट बना करके इन्होंने हमारे साथ चीटिंग किया है और नियुक्ति का खेल खेला है और अपने को बचाने के लिए इन्होंने उल्टा एक FIR हमारे खिलाफ कराया था। उसी पूरे मैटर पे हमने एक एप्लीकेशन डाल करके FIR दर्ज कर इनके खिलाफ योजना करने की मांग किया है। मैंने सारे एविडेंसेस लगाए हैं, तमाम वर्तिका सिंह के द्वारा जो है वो भी दिया गया है, कॉल रिकॉर्डिंग्स दी गई हैं, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग दी गई हैं, सारी चीज़ें हमने दाखिल किया है। आज माननीय कोर्ट में बहस के दौरान माननीय कोर्ट ने ज्यूरिडिक्शन का एक क्वेश्चन उठाया है तो जिसपे मैंने जवाब दिया कि चूँकि मैटर का एक पार्ट की इन्वेस्टिगेशन आपके ज्यूरिडिक्शन में हो रही है इसलिए शेष पार्ट की भी इन्वेस्टिगेशन आपके ही ज्यूरिडिक्शन में होगी, तो जिसपे सुनवाई के लिए उन्होंने जो है वो 2 तारीख के लिए आगे की डेट लगाया है। मामले की हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर इस मामले में जरा भी सच है तो आखिर
इसका जिम्मेदार कौन है? हाल बेहाल गांव शहर अस्पताल, बिजली सड़क पानी कई सवाल, कितने में बिका ईमान पूरी पड़ताल, किसने लगाया चूना किसका बवाल, सुनो सरकार,